के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सिटी वाराणसी लाइव परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भाव में डूबी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। गंगा में उफान जारी, शहर में तेजी से प्रवेश करने को बेताब है गंगा। 80 घाट पर आयोजित हुआ मत्स्य रैंचिंग, डॉल्फिन एवं जल संरक्षण कार्यक्रम। गंगा में छोड़ा गया विभिन्न प्रजातियों के मछलियों का बीज। और अवकाश प्राप्त बीमा कर्मचारी संघ के वाराणसी मंडल की संपन्न हुई साधारण सभा की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। हर की नगरी काशी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरिमय हो गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आज श्री कृष्ण के भक्ति भाव में डूबी है। आज हर यानी भोलेनाथ ने काशी में हरि का रूप धारण किया है। मठों मंदिरों में हुई खास तैयारी के चलते श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर माहेश्वरी भवन में श्री हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गुरुधाम स्थित इस्कॉन मंदिर में, चौखंबा स्थित गोपाल मंदिर में, BHU और BLW में खास तैयारियाँ की गई हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद साल बाद श्रद्धालु भक्ति भाव से मंदिरों में जुटे हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही काशीवासियों के घरों से लेकर शहर के सभी मंदिरों, मठों और क्लबों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए खास तैयारियां की गई हैं। दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही गिरधर गोपाल को भोग लगाने के लिए मेवा और मक्खन के लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के लिए भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 10 क्विंटल मेवा के लड्डू एवं 12 क्विंटल सूजी का हलवा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मक्खन के बनाए हुए जलेबी एवं लड्डू का भोग भी कान्हा को लगाया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ करीब 6,000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म दिवस का आयोजन किया गया है और सभी भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ये 12 बजे तक चलेगा। वहाँ प्रसाद मिलेगा, अभिषेक भी है रात में। तो ये दिन भर का आयोजन है जो है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि काशी में सभी हमारे भक्त बहुत उत्साह से यहाँ आ रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं और लोग भगवान का दिव्य कृपा भी पा रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। कुछ लोग व्रत हैं तो उनके लिए फलाहार प्रसाद का भी व्यवस्था यहाँ है। तो ये बहुत ही दिव्य आयोजन है, साल में एक बार आता है और आज भगवान का जन्मोत्सव का बहुत विशेष अवसर है। जो भी आज भगवान को प्रणाम करेगा भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। कृष्ण जी से ऐसे इतना लगाव है, ऐसे लगता है इनका जब जन्मदिन आता है तो ऐसे लगता है अपने ही घर में सच में कोई आ रहा है, ऊपर से कोई आ रहा है, उनका जन्म होने वाला है और उनकी कृपा फील करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स दिल से फील करते हैं। आज जो ये जो इस्कॉन में होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये जो लाइन्स है ना वो दिल को पूरा झकझोर देती है, उनसे कनेक्ट कर देती है। सो दैट्स व्हाई वी फील लाइक कि हम कृष्णा का जन्मदिन हमारे घर में ही कोई बाके बिहारी आए। मामूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में बेबी श्री हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा भी शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर भोर से ही विविध धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सोसाइटी के 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को समारोह का प्रथम चरण ब्रह्म मुहूर्त में 4:35 पर श्री मंगला आरती से प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से श्री प्रभुपाद जी की वंदना की गई। अर्चन पुजारी संजय प्रभु द्वारा किया गया। हरे कृष्ण महामंत्र से पूरे भक्तजन स्वयं को श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित समझ रहे थे। समारोह के द्वितीय चरण में 6:30 से तुलसी महारानी की आरती से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु की गौर आरती एवं हरे कृष्ण महामंत्र पर पूरा माहेश्वरी भवन कृष्णमय हो गया। तत्पश्चात श्री राधा गोविंद की सेवा में गुलाब प्रभु द्वारा आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, श्री राघवेंद्र द्वारा स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, प्रियंका माता जी द्वारा राधा ले गई रे, साथ ही रजनी माता जी द्वारा भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर भक्ति भाव से भाविभोर होकर भक्तगणों ने ऐसा नृत्य किया जैसे ब्रजधाम काशी में ही उतर आया हो। भगवान श्री विग्रह श्री राधा गोविंद जी एवं श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी व सुभद्रा महारानी देवी के श्री विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार किया गया था। Thank you.
जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाते हैं और इस दिन हम लोग भंग संहिता का पाठ करते हैं और अभिषेक करते हैं भगवान लड्डू गोपाल का। उसके बाद हम लोग हरिनाम संकीर्तन महामंत्र का जप करते हुए लगातार 12 बजे रात तक जप लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग नंद उत्सव मनाते हैं। नंद उत्सव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी प्रकार के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और बहुत भिन्न रूप में यहाँ पर भंडारा का आयोजन होता है। कम से कम 10-15 हज़ार लोग यहाँ आते भंडारा का पूरा काम। जन्माष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं, प्रभु का जन्म उत्सव मनाएंगे, प्रभु को 56 प्रकार की भोग लगेगी, प्रभु का अभिषेक होगा, सभी भजन कीर्तन के साथ हम लोग प्रभु का उत्सव मनाएंगे। सभी भक्तों में उत्साह है। आज खास हम लोग का अभिषेक के साथ ब्रह्म संहिता का पाठ है जो इस बार नए माताओं के द्वारा हो रहा है। सभी माताएं प्रभु जी से ही मांगेंगे, सुख समृद्धि, सबके अंदर प्रेम भाव रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, प्रभु का नाम का जप ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। 2 साल तो हम लोगों ने बहुत थोड़े में मनाया क्योंकि कोरोना की वजह से सिचुएशन को देखते हुए हम लोग नहीं उतना कर पाए, लेकिन इस समय आज इस दिन को हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आज जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे हम लोग। शहर में जिस तरह से गंगा का पानी बढ़ रहा है, उससे अब तटवर्ती इलाकों सहित शहर के निचले इलाकों में गंगा के जल के प्रवेश का खतरा बढ़ गया है। शहर में गंगा का पानी अब तेजी से प्रवेश करने को बेताब नजर आ रहा है। गंगा में बाढ़ का पानी अब शीतला माता मंदिर तक दस्तक दे चुका है। महज 1.5 मीटर का फासला और यदि गंगा ने पार कर लिया तो शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। बाढ़ का पानी प्रवेश करते ही तटवर्ती इलाकों में दुश्वारी शुरू हो जाएगी। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर होने की वजह से मिर्जापुर और भदोही जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। इसके आगे वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना हो गया है कि घाट और तटवर्ती इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है। दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर के साथ 68.84 मीटर तक जा पहुंचा, तो दोपहर 2 बजे 68.94 तक पहुंच गया, जबकि यह सुबह 10 बजे 68.72 मीटर पर था। वाराणसी में शुक्रवार की सुबह लोग सोकर उठे तो गंगा की प्रलयंकारी लहरों से उनका सामना हुआ। गंगा हालांकि अभी चेतावनी और खतरा बिंदु से नीचे है, लेकिन बाढ़ का स्तर साफ नजर आने लगा है। सुबह 10 बजे केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है। राजघाट पर लिए गए रिपोर्ट के अनुसार सुबह 10 बजे 68.72 मीटर पर गंगा का जलस्तर रहा। गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर और खतरा बिंदु 71.262 मीटर है। वहीं 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव की गति बने रहने से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटों में गंगा चेतावनी बिंदु के करीब दस्तक दे देंगी। आगे भी यह बढ़ाव क्रम जारी रहा तो 2 दिनों के बाद गंगा खतरा बिंदु भी पार कर लेगी। गंगा तट पर दुकान लगा अपनी अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। शुक्रवार को जल भराव के चलते इन लोगों को अपनी दुकानें वहां से हटाते हुए देखा गया। दूसरी बात सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ये लड़की की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मछली हम प्रमोट करते हैं सर, वो बेसिकली कास्ट जो होते हैं, जो मान लीजिए चाइनीज का वो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, जिनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ सके और जो बहुत ज़्यादा बड़े हो सके, ताकि हमें आर्थिक लाभ। गंगा नदी के समग्र मत्स्य विकास के लिए शुक्रवार को 80 घाट पर मछलियों को छोड़ने के साथ ही साथ गंगा स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाकरी अनुप केंद्रीय अंतरस्थलीय मासिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय स्तर पर रैनविंग कार्यक्रम 2022 को बड़े धूमधाम से मनाया। इस आयोजन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संस्थान गंगा नदी के समग्र मत्स्य विकास के लिए वाराणसी में 80 घाट पर 19 अगस्त शुक्रवार को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मत्स्य रैनविंग, डॉल्फिन एवं जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन की थी। इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर जे के जेना, उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान
ICAR स्थानीय अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उप महानिदेशक महोदय ने मछलियों के संरक्षण में सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी पर जोर दिया। पुरुषोत्तम रूपाला ने आम नागरिकों से अपील किया कि नदी की स्वच्छता को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल वस्तु, सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं एवं शैम्पू, सर्फ, बिस्किट, साबुन इत्यादि की पुड़िया को गंगा में न प्रवाहित करें। इससे न केवल गंगा प्रदूषित होती है बल्कि नदी में रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वर्तमान भाकरी अनुप केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर के निदेशक और नमामि गंगे परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर बसंत कुमार दास ने स्थानीय मछुआरों को गंगा नदी में प्राप्त मछलियों और डॉल्फिन के स्वास्थ्य संरक्षण के पारिस्थितिकी विषयों के बारे में जागरूक किया। परियोजना के हिस्से के रूप में 4 अलग अलग राज्यों को कवर करते हुए गंगा नदी के अलग अलग क्षेत्रों में 56 लाख से अधिक देसी गंगा कार्प, रोहू, कतला और मृगल, फिंगरलिंग, अंगुलिकाओं को गंगा नदी में छोड़ा जा चुका है। इस कार्यक्रम के दौरान 2 लाख से अधिक रोहू, कतला और मृगल तथा अंगुलिकाओं को 80 घाट से गंगा नदी में छोड़ा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी की जैव विविधता को बनाए रखने और मछुआरों के बेहतर जीविकोपार्जन को उचित दिशा देना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रायोजित परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में मछली की विविधता का अन्वेषण, सर्वेक्षण बहुमूल्य मछलियों जैसे रोहू, कतला, मृगल, कालबासू और मासीर के स्टॉक मूल्यांकन के साथ साथ चयनित मछली प्रजातियों के बीज का उत्पादन और उसके स्टॉक में वृद्धि शामिल है। कालबासू, कतला, मृगल और रोहू जैसी मछलियां न केवल नदी के स्टॉक में वृद्धि करेंगी बल्कि नदी की स्वच्छता को बनाए रखने में भी मदद करेंगी। रेंचिंग गंगा नदी में मछलियों के बीज छोड़ने के इस कार्यक्रम को साकार करने का प्रयास किया गया। गंगा नदी में जो उनकी अपनी प्रजातियां हैं रोहू, कतला, मृगल, इन सभी को उनकी आबादी कम हो रही है, इसको फिर से पुनः प्रस्तापित करने के लिए और उनकी जल चर जो आबादी है उसकी समृद्धि के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इनसे नदी की स्वच्छता का काम भी बनता है और मछुआरे भाइयों की आजीविका को भी बढ़ोतरी देने का काम होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में ये रिवर रेंचिंग करने का प्रकल्प पूरे देश में 3 नदियों से शुरू किया था, अब 13 नदियों में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें हमारे ICAR के संस्थान सिफरी ने बहुत ही अच्छी प्रगति करते हुए आज 2 लाख बीज इधर यहाँ वाराणसी में छोड़ने का क्रम बनाया गया है और इस डिवीजन के तहत कुल 12 लाख बीज यहाँ छोड़े जाएंगे और इससे नदी की समृद्धि भी बढ़ेगी और हमारे मछुआरे भाइयों को भी सहायता। अवकाश प्राप्त बीमा कर्मचारी संघ के वाराणसी मंडल की वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार को हुई। अवकाश प्राप्त बीमा कर्मचारी संघ के वाराणसी मंडल की शुक्रवार को वार्षिक साधारण सभा हुई जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर सिंह ने किया। साधारण सभा में कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें रामलखन तिवारी को महासचिव के रूप में कार्यों का निष्पादन करने हेतु नामित किया गया। सभा में सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा साथ ही यथाशीघ्र निस्तारण की रणनीति तैयार की गई। इस कार्यक्रम में पी के श्रीवास्तव, डी पी सिंह, लालचंद सोनकर आदि उपस्थित थे। वही हम लोग पेंशन की कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन के लिए मांग चल रही है, जो सेंट्रल ऑफिस में पेंडिंग था, पेंडिंग वहां से जाकर इसमें वित्त मंत्रालय में पड़ा हुआ है विचारणी और एक इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह है कि सकारात्मक रुख है और जल्द ही इसका फैसला हो जाए। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC accredited, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। एडमिशन ओपन फॉर BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMuse, BTC, DLED and B.Ed, B.P.Ed, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Comm and M.F.A. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity. डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई।
2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड एवं आईएसओ तथा क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष ओपीडी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गाकुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशल कैमरामैन व वरिष्ठ छायाकार दिलीप कुमार और जन जागृति की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले युवा छायाकार विनोद राव को सम्मानित किया गया। संस्कृत और हिंदी के सर्वोच्च ज्ञाता महर्षि दयानंद की शास्त्रार्थ स्थली आनंद पार्क दुर्गाकुंड वाराणसी में कैमरे के कुशल चितेरे व वरिष्ठ छायाकार दिलीप कुमार चुन्नू जी व कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों की विषमताओं को कैमरे की नज़र से शास्त्रापूर्ण उतार के जन जागृति की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले युवा छायाकार विनोद राव को अंग वस्त्रम व बाबा विश्वनाथ जी की फोटो सहित प्रशस्ति पत्र अध्यक्ष गोपाल शर्मा व सचिव रजनी श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सम्मानित द्वय विनोद राव व चुन्नू भैया ने फोटोग्राफर विचार समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकुशलता को परख कर सम्मानित करने वाली समिति के सम्मान से वे अभिभूत हैं। इस अवसर पर हुई महत्वपूर्ण संगोष्ठी में वाराणसी के प्रबुद्ध छायाकारों ने उपस्थित वरिष्ठ व नवोदित फोटोग्राफरों को विश्व छायांकन दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि साधारण सी दिखने वाले व्यक्तित्व और वातावरण को असाधारण दिखाने की क्षमता रखना ही वस्तुतः फोटोग्राफर होते हैं। सचिव रजनी श्रीवास्तव ने कहा कि कैमरा महत्वपूर्ण तो है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैमरे के पीछे रहने वालों की नज़र, तथा इस बात पर भी जोर दिया कि अपनी कमाई का कुछ भाग अपने ट्रेड के लिए व अपने स्किल को डेवलप करने के लिए अवश्य ही खर्च करें। अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि कैमरा व फोटोग्राफर हैं तो ही अखबारों एवं टीवी में रंग तथा विविधता के है, वरना बहुत कुछ ब्लैक एंड वाइट के साथ ही अपने स्थापना दिवस पर हर रजिस्टर्ड फोटोग्राफर का 5,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल बीमा करवाने का वायदा भी किया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से गौतम बिजलानी, कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव व डी के राजपूत उपाध्यक्ष द्वय, बलजीत गुप्ता, राजेश खनेजा, हरीश शर्मा, उमेश जैन, श्रीराम पांडे, शिवशंकर गौड़, लखन साहनी, रजनी श्रीवास्तव सचिव, गोपाल शर्मा अध्यक्ष तथा शहर के तमाम फोटोग्राफर बंधु उपस्थित थे। हम लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यवसाय, अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे पार्टियों से कैसे हम लोग पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है वेडिंग फोटोग्राफर। हमारी बैच भी लगा है, इसमें प्राउड टू बी ए वेडिंग फोटोग्राफर लिखा हुआ है। वेडिंग फोटोग्राफर अपने आप में एक ऐसा फोटोग्राफर है जो हर क्षण को कैद करने के लिए, हर क्षण को कवर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। उस वेडिंग फोटोग्राफर के जो सम्मान कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उसको और ऊंचा बढ़ाने के लिए फोटोग्राफर विचार समिति कटिबद्ध है, और उसी फोटोग्राफर को और ऊंचा करने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं 6 नवंबर को, 25 सितंबर को हम लोग अपनी स्थापना दिवस करने वाले हैं। माखन की मटकी फोड़कर आरएस वर्ल्ड स्कूल में जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
आरएस वर्ल्ड स्कूल में मटकी फोड़ करके जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। आरएस वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में बड़े ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण ने सबका मन मोह लिया। अपने नन्हे कदमों की सुंदर प्रस्तुति के द्वारा छात्रों ने खूब धूम मचाया। छोटे छोटे छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य संगीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विद्यालय की चेयरपर्सन अंजू जायसवाल तथा वाइस चेयरपर्सन आयुष जायसवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंजू जायसवाल ने छात्रों को अपने आशीर्वचनों से अभिषिक्त किया और सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी। इस अवसर पर वाइस चेयरपर्सन महोदय ने छात्र छात्राओं को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए उनके कार्यक्रमों की सराहना की। छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण की जन्मलीला की सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुति दी। लीला में उनके जन्म से लेकर मटकी फोड़ने की लीला का मंचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी हुआ। उच्च कक्षाओं के छात्रों ने बड़े उत्साह से मटकी फोड़ने की लीला में भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किया। गुरुवार को जीवनदीप पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में गुरुवार को जन्माष्टमी महोत्सव कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों द्वारा मनाया गया। गोकुल के दृश्य ने यमुना कालियाना कारागार मटकी मक्खन आदि मंच पर उपस्थित था। छात्रों ने नृत्य गीत और अभिनय के माध्यम से कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन व गीता सार को आत्मसात करने की नसीहत दी व शुभकामना देते हुए बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह सहित संस्था के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका पूनम सिंह तथा अर्चना पांडे ने किया। श्री वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।